इंग्लिश ओशन पढ़ रहे थे ठीक है या इंग्लिश ओशन पढ़ रहे थे हम जिसके अंदर हम ये पोएम पढ़ रहे थे दैट इज़ नेवर गिव पेन मैंने आपको बता दिया था कि दिस पोएम इज़ अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स और स्मॉल क्रिएचर्स ये जो पोएम थी वो बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में थी या फिर आप कह सकते हो स्मॉल क्रिएचर्स क्रिएचर्स यानी कि छोटे छोटे जीव जंतु ठीक है ओके मैंने आपको ये टिक द करेक्ट ऑप्शन करवाए थे व्हेन यू गिव द स्पैरो ही स्पैर विद यू अ सॉन्ग वी शुड नेवर गिव डैश टू लिविंग थिंग्स क्या नहीं देना चाहिए लिविंग थिंग्स को हमें पेन नहीं देना चाहिए वी शुड नेवर डू डैश टू दीज जेंटल क्रिएचर्स इन जेंटल जो क्रिएचर्स हैं इनके साथ क्या नहीं करना चाहिए हमें कभी रॉन्ग नहीं करना चाहिए यहाँ फिर अंदर ब्लेंस दे रखे थे जो कि आपको पोएम में से देख करके कंप्लीट करना था देन इन द नेक्स्ट पेज हेयर इज सम राइमिंग वर्ड्स ठीक है मैंने आपको समझा समझा दिया था कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं ये करने के बाद फिर आपको ये मैचिंग करवाई थी बुक में जो कि आपको ये लाइनें ना खींच करके आपको क्या करना था नंबरिंग करनी थी दाव हेयर इज़ फ्यू क्वेश्चन आंसर इन शॉर्ट एंड हेयर इज़ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ये दोनों चीज़ हम सबसे लास्ट में करेंगे चलो अब आ जाते हैं हम अपनी वो कैबरी पे ठीक है यहाँ पे सब कुछ आपको ये अनजंबल द लेटेस्ट टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स यहाँ आपको कुछ अनजंबल यानी कि आपको उल्टे सीधे करके ये वर्ड्स दे रखे हैं तो क्या करना है आपको इनका एक मीनिंगफुल वर्ड निकालना है तो इन द फर्स्ट आपकी बुक में दे रखा है ये एन ए पी आई पी आई नहीं दे रखा होगा इसमें एन ए, ए पी दे रखा होगा तो आप पी के बाद आई और जोड़ लीजिए इसमें ठीक है क्योंकि एन ए पी या पी ए एन करके कोई वर्ड इसमें बन नहीं रहा है और पी के बाद आई जोड़ने के बाद इसमें जो वर्ड बनेगा इट विल बी पेन देन सेकेंड दे रखा है टी ई एन जी एल ई तो इसका बनेगा आपका जेंटल ठीक है देन उसके बाद ये इसका थर्ड वाला तो दे रखा है उसका बनेगा ब्रेड फोर्थ का बनेगा टिमिड देन फिफ्थ का बर्ड्स सिक्स का स्प्रिंग ओके नाउ कम टू द एडिंग आई एन जी यहाँ पर कुछ आपको ये वर्ब्स दे रखी हैं पीप सिंग फील सोर फ्लटर थ्रो उसके साथ आपको आई एन जी प्लस करके आपको इसकी वर्ब बनानी है पूरी जैसे पीपिंग सिंगिंग फीलिंग soaring, फ्लटरिंग थ्रोइंग ओके तो आप ये कर लेना इसमें सिर्फ कुछ नहीं है सिर्फ ये वर्ब के साथ आपको आई एन जी जोड़ के इसको पूरा कंप्लीट करना है नेक्स्ट देन कम टू द ग्रामर मेल्स एंड फीमेल्स के बारे में कुछ आपको ये दे रखा है कि आपने पढ़ा होगा ग्रामर पोर्शन में कि मस्क्यूलिन क्या होता है और आप ये फेमिल फेमिनाइन क्या होता है तो नाउ वी विल स्टार्ट एंड वी विल अंडरस्टैंड दैट वॉट इज मस्क्यूलिन मस्क्यूलिन क्या होता है सबसे पहले देखिए द वर्ड्स दैट रेफर टू अ मेल पर्सनस और एनिमल्स आर कॉल्ड मस्क्युल लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स यहाँ पे आपको मस्क्युल क्या पता है वो वर्ड्स जो क्या रेफर करते हैं मेल पर्सन को जैसे कि आपका लड़का हो गया और एनिमल यानी कि जैसे कॉक हो गया लॉयन हो गया टाइगर हो गया डंकी हो गया दे ऑल रेफर्स टू अ मेल एनिमल्स सो वी कैन say दैट इट इज़ मस्क्यूलिन ठीक है यहाँ आपको आपको दे रखा है बॉय कॉक तो ये सारे क्या हैं आपके मेल एनिमल्स हैं और आप जैसे हो सकते हैं जैसे फादर यहाँ नीचे दे रखे हैं आपको फादर पिकॉक किंग ब्रदर डॉग सन ये सारे क्या हैं ये, ये रेफर कर रहे हैं कि क्या है मेल एनिमल्स हैं मेल यानी कि पुरुष ठीक है देन कम टू द फेमिनाइंस अब फेमिनाइन क्या है दर्ड्स पर्सन और एनिमल्स आर कॉल्ड फेमिनाइंस क्या जो वर्ड रेफर करते हैं कि फीमेल पर्सन को या फीमेल एनिमल को उनको क्या कहते हैं फेमिनाइन जैसे यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी है आपको गर्ल हैंड और एग्जाम्पल्स में देख सकते हो आप फेमिनाइन में जैसे कि मदर पी हैं क्वीन सिस्टर बेच डॉटर ठीक है ये सारी क्या है आपकी रेफर्स टू अ फीमेल एनिमल्स यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड एक्सरसाइज दे रखी है नाउ राइट द फीमेल नाउंस फॉर द गिवन मेल नाउंस फादर का क्या हो जाएगा मदर पी का पी हैन किंग का क्वीन ब्रदर सिस्टर डॉग बेच सन डॉटर ठीक है तो आप ये कर लेना बुक में मैं आपको इनकी पिक्चर्स अभी जो मैंने ये काम किया है ये वर्क जो किया है अभी मैं इनकी पिक्चर्स आपको सेंड कर दूंगी तो आप अपने ये बुक में कर लेना ठीक है एंड इन द लास्ट वी विल डू क्वेश्चन आंसर फिर लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगी आपको कैसे करना है और कैसे आपको लिखना है ये हम सबसे लास्ट में करेंगे तो हाई आई होप आपकी ये सारी पोएम भी समझ में आ गई होगी ये एक्सरसाइज भी हो गई होगी आपको जो होमवर्क दिया है मैंने वो होमवर्क भी आपने कर लिया होगा ठीक है यहाँ तक आपकी बुक भी फिल हो चुकी है तो अब इन द लास्ट हम आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे शॉर्ट वाले भी और लॉन्ग वाले भी एक दिन शॉर्ट कराएंगे और एक दिन आपको लॉन्ग कराएंगे ठीक है ओके थैंक यू